आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही फेमस मिठाई जिसे आप अक्सर बाजार से खरीदते हैं। इसका नाम है बॉम्बे कराची हलवा, जिसको आप कराची हलवा या बॉम्बे हलवे के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही टेस्टी, देखने में सुंदर, खाने में भी बढ़िया। और सच मानिए, घर में रखे सिंपल सामान से आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। सिर्फ एक परफेक्ट मेजरमेंट और रेशियो पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्ट स्पंजी शाइनी बॉम्बे हलवा बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए एक बोल, और यहाँ हम लेंगे एक कप कॉर्नफ्लावर, जिसे आप कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। इजीली मिल जाता है, किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आप ले सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। कोई भी कटोरी या कोई भी कप भी ले सकते हैं, उसी से पूरा मेजरमेंट कर लें तो आपका रेशियो एकदम परफेक्ट आएगा। तो जैसे मैंने ये कप लिया है, तो मैं पूरा मेजरमेंट इसी कप से करूंगी। वजन से बोलूं तो लगभग 125 ग्राम के करीब मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। कॉर्नफ्लावर अलग होता है, मेश फ्लावर अलग होता है, ठीक है। अब एक कप हमने कॉर्नफ्लावर लिया है, तो उसी कप से दो कप हम लेंगे पानी। मैं पूरा मेजरमेंट आपको बता रही हूँ, अगर इस तरह से बनाएंगे परफेक्ट बनेगा। तो ये हो गया एक कप, पर एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको एक स्पून या विस्कर से मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि लम्स ना बने। इन दिनों जहाँ हम बाजार की चीजें खाना अवॉइड भी कर रहे हैं, और त्योहार पे चीजें मिलावटी भी बहुत मिलती हैं, एकदम हाइजीनिकली आप बढ़िया मिठाई घर में ही बना सकते हैं इजीली। एक कप पानी मैंने डाल दिया है, अब ये दूसरा कप है। प्रॉपर इसका पतला घोल बना लें, और कोई भी लम्स नहीं है, एकदम पतला घोल तैयार है। इसको अभी अलग रख देते हैं, एक छोटा सा काम पहले कर लेते हैं। बॉम्बे हलवे को जमाने के लिए ये मैंने लिया है एक इस तरीके का बड़ा बोल। आप कोई भी केटलिन हो वो ले सकते हैं, कोई भी बर्तन ले सकते हैं। उसको कर लेते हैं थोड़ा सा घी लगा करके या ऑयल लगा करके ग्रीस, जिससे आसानी से बाद में हमारा हलवा जमने के बाद निकल आए। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ एक बटर पेपर। पार्चमेंट पेपर बिल्कुल ऑप्शनल है, हो आपके पास तो लगा लीजिएगा, नहीं हो तो डायरेक्ट आप इसी में भी जमा सकते हैं। तो पेपर को भी घी लगा करके अच्छे से चिकना कर लेंगे। और ये काम हम पहले इसलिए करेंगे क्योंकि हलवा बनने के बाद तुरंत ही हमें जमाना होता है, वो बहुत जल्दी सेट होने लगता है। अब आप गैस पर रखें एक कढ़ाई, फ्लेम को कर दीजिए बिल्कुल लो, और यहाँ हम लेंगे दो कप चीनी। वजन से बोलूं 400 ग्राम मैंने चीनी ली है। ये वाला कप लिया था ना, इसी से मैंने दो कप चीनी ली है, यानी जो भी बोल या कटोरी से आप कॉर्नफ्लावर लें, उसी से आप दो कटोरी चीनी ले लें। अब इसमें हम डालेंगे उसी कप से एक कप पानी, यानी दो कप चीनी एक कप पानी। अब लगातार चलाते हुए चीनी को घोल लेंगे। यहाँ पर हमें कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, बस इतना तक कि चीनी घुल जाए। फ्लेम को अब थोड़ा सा मीडियम कर दें और चीनी को घुलने दें। और ये देखिए, चीनी पूरी तरह से घुल गई है, अच्छे से मेल्ट हो गई। अब आप क्या करें, गैस ऑफ कर दीजिए, और ऑफ करके जो अभी हमने कॉर्नफ्लावर का घोल तैयार किया ना, इसको चम्मच से पहले चला लीजिए, क्योंकि कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाता है ना, इसलिए। तो बढ़िया से चला के ही इसको डालें, वरना लम्स बन जाएंगे। और गैस ऑफ मैं इसलिए बोल रही हूँ, पहले आप आसानी से उसे मिक्स कर लें, जिससे कि आपसे कोई गलती ना हो, ना ही कोई गुठली बने। अब धीरे धीरे बहुत ही स्लोली थोड़ा सा डालिए, और दूसरे हाथ से चम्मच से चलाते हुए या स्पैटुला से चलाते हुए मिक्स करते जाइए, बंद गैस में ही। फिर थोड़ा सा डालिए और मिक्स कीजिए, साथ के साथ एक दो बार बीच में अपने कॉर्नफ्लावर घोल को भी चला लें। डालिए और मिक्स करिए, बिल्कुल लम्स भी नहीं बनेंगे, और आसानी से एकदम स्मूथ आपका मिक्स तैयार हो जाएगा। ये लीजिए, तो मैंने पूरा घोल इसमें डाल दिया, अच्छे से मैंने कर दिया मिक्स। अब आप गैस को ऑन करें, लेकिन याद रखिए गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखें। अब पूरे प्रोसेस में फ्लेम को हमें लो रखना है। अगर हम हाई फ्लेम पर इसको कुक करेंगे, बहुत ही जल्दी इसमें गुठली यानी लम्स जैसे बन जाएंगे, और फिर आपका हलवा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी बात है, बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे धीरे चलाते हुए इसको थिक होने देंगे, यानी गाढ़ा होने देंगे। और जैसे भी आप देख रहे हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है, धीरे धीरे ये गाढ़ा हो रहा है। बिल्कुल लगातार जरूर चलाइए, क्योंकि नीचे कॉर्नफ्लावर ना बैठ जाता है, तो इसलिए हमें ना चलाते रहना है इस तरह से। और ये देखिए, एकदम स्मूथ बिना गुठली वाला घोल हमारा तैयार हुआ है, क्योंकि हम लगातार चलाते रहे थे। तो सबसे बड़ी जरूरी टिप, लो फ्लेम लगातार चलाना। तो जैसे ये गाढ़ा होना इस तरह से शुरू हो जाए ना, आपको पता चलने लगेगा, हल्की शाइन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस इस स्टेज पर इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच घी। बस इस तरह से एक एक चम्मच करके हम घी डालेंगे और लगातार चलाएंगे लो फ्लेम पर।
पूरा घी एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे, लगभग 5 बड़े चम्मच के करीब हमें घी चाहिए होगा, मान के चलिए आधे कप के करीब। और इस तरह से चलाते जाएं, हमें ये तब तक बढ़िया से पकाना है जब तक ये जो घी डाला है ना ये पूरी तरह से अब्सॉर्ब ना हो जाए, यानी इसमें पूरी तरीके से मिक्स ना हो जाए। और अभी देखिए घी बिल्कुल बढ़िया से इसमें मिक्स हो गया है, एकदम अब्सॉर्ब हो गया है। अब एक चम्मच घी हम और डालेंगे, लेकिन उससे पहले आप बिल्कुल घी ना डालें, जब तक जो चम्मच हमने डाली है जब तक वो घी पूरी तरह से इसमें अब्सॉर्ब ना हो जाए। और ये देखिए जो भी दूसरी चम्मच हमने घी डाला, देखिए पूरा अब्सॉर्ब हो गया ना। अब हम डालेंगे एक चम्मच घी और इसी बीच हम इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालना इसमें बहुत जरूरी है, जिससे कि इसमें जो चीनी डाली है उसका क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, यानी सफेद सफेद नहीं होगा, चीनी जमेगी नहीं। तो नींबू का रस डाल करके अच्छे से चलाएं और उसको भी बढ़िया से इसमें मिक्स कर लें। आप यहाँ पर नींबू की रस की जगह एक छोटी चम्मच सिट्रिक एसिड, होता है ना नींबू सत बोलते हैं, जिसे नींबू का फूल भी बोला जाता है, वो भी यूज कर सकते हैं। और एक चम्मच की अब और डालेंगे और मिक्स करेंगे। तो बस इसी स्टेज पर फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। आप अपने मनपसंद केवड़ा एसेंस, रोज एसेंस, जो चाहें वो इसमें यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हलवे में शाइन आनी शुरू हो गई है। बस तो इस स्टेज पर जब ये वाला घी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच ऑरेंज फूड कलर, वो जो जलेबी वाला कलर होता है ना, बस मैंने वही लिया है। आपने देखा होगा बाजार में 2-3 कलर के दिखते हैं, चाहे तो आप गुलाबी रंग डाल सकते हैं, चाहे तो ऑरेंज रेड डाल सकते हैं, फिर आप ऑरेंज कलर इस तरह का डालें और बढ़िया से कर दीजिए इसको मिक्स। धीरे धीरे ये बिल्कुल अभी कुछ ही क्षण में आप देखेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट सा दिखेगा, जैसे कांच होता है ना ऐसा। तो इस स्टेज पर आप इसमें डाल सकते हैं अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट्स, चाहे तो प्लेन भी बना सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच वाटरमेलन सीड्स, इजीली मिल जाते हैं मार्केट में, हल्का सा आप इसे भून लें और फिर इसमें ऐड करें। आप इसमें बादाम, काजू, पिस्ता जो चाहे वो इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा है ना घी, बस। तो यहाँ पर अब हमें घी नहीं डालना है बिल्कुल, उसके बाद 5 मिनट और पका लें, तो टोटल ये समझ लें कि 25 मिनट के करीब आपको इस हलवे को बनाने में लगेगा। मैं आपको टॉप ऑफ व्यू दिखाती हूँ। अब मैं इस स्पैटुला या जो भी चम्मच आप जिससे बना रहे हैं इसको घुमाएंगे तो देखिए कैसे घूम रहा है, ये बिल्कुल शाइनी हो गया है, पूरा कढ़ाई छोड़ रहा है। जब आप कढ़ाई को या पैन को जिसमें आप बना रहे हैं ऐसे घुमाएंगे, देखिए कैसे घूम रहा है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि अब आपका हलवा है बिल्कुल रेडी। ये देखिए पूरा घूम रहा है ना, जैसे जेली होती है। तो चलिए गैस को करते हैं बंद, और जो भी हमने ग्रीस करके बोल तैयार किया था उसमें मैंने बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम नीचे डाल दिए हैं, जिससे वो भी उस पर सेट हो जाएंगे। आपकी चॉइस है, आप अपने अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट से या प्लेन भी रख सकते हैं। हलवे को ट्रांसफर करेंगे, ये देखिए है ना एकदम जबरदस्त, बिल्कुल भी चिपका चिपका नहीं, एकदम परफेक्ट। और तुरंत से एक स्पैटुला या स्पून से आप इसको स्प्रेड कर दीजिए। बहुत ही सुंदर हमारा हलवा तैयार हुआ है। और सबसे अच्छी बात इस हलवे के साथ ये है कि पूरे 15 दिन तक भी खराब नहीं होता है। तो इस तरह से सेट करके आप इसी तरह प्लेटफॉर्म पर या पंखे के नीचे रख दीजिए, फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है। लगभग 1-2 घंटे इसको सेट होने में लग जाते हैं। और ये देखिए लगभग 1.5-2 घंटा हो गया है और हमारा हलवा एकदम परफेक्ट जम गया है, बिल्कुल बढ़िया। तो इसके ऊपर आप रखिए कोई प्लेट या इस तरह से चॉपिंग बोर्ड और इसको अब हम पलट लेंगे। वाओ, ये देखिए हमारा हलवा कितना सुंदर दिख रहा है और एकदम परफेक्ट निकला है। और ये देखिए इसका स्पॉन्ज एकदम स्पॉन्जी, सॉफ्ट और शाइनी। तो चलिए अब इसे कर लेते हैं कट, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा दिख रहा है। मैंने इसको अलग कर लिया और इधर से भी इसको बर्फी की तरह कट कर लेंगे। लीजिए सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, तो चलिए करते हैं सर्व। तो लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा बॉम्बे कराची हलवा, एकदम आसान और झटपट तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट। तो आप भी बनाइए, मुझे जरूर बताइए अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में कि आपको आज का ये बॉम्बे कराची हलवे की रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे आप जरूर बनाइए, बिल्कुल बढ़िया बनेगा, सबको पसंद आएगा। त्योहार का वक्त है, बनाना बिल्कुल बनता है, और मेरी टिप्स फॉलो करके बनाइए, एकदम परफेक्ट आपका बॉम्बे कराची हलवा तैयार हो जाएगा।
उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।